इमेजिन करिए अगर आप वर्ल्ड फेमस के पॉप स्टार बैंड BTS के मेंबर के नेबर होते तो, यानी हमारे जॉन चंगकुक के नेबर होते, कितना ज्यादा लकी फील करते हम सभी अगर हमें जंगकुक के घर के बगल में रहने का मौका मिलता। लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे काफी अलग है और ये बात खुद जंगकुक ने अपने लाइफ में बताई है। लेकिन आखिर जंगकुक के नेबर्स ने ऐसा क्या किया और उनको कैसा एक्सपीरियंस होता होगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आप सभी ने इमेजिन किया ना मेरे कहने पर कि आपके घर के बगल में JK रहते हैं। सच में किसी भी आदमी को ये काफी ज्यादा लकी फील होगा। जंगकुक के घर के बगल में रहना, दिन भर उनकी सुरीली आवाज सुनना और उनको देखना। लेकिन ऐसा लगता है कि जो जंगकुक के प्रेजेंट नेबर हैं, उनके साथ ये लकी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, क्योंकि अपने रीसेंट लाइफ में जंगकुक ने बताया था कि उनके नेबर्स उनसे काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी थी और जंगकुक जोर जोर से गाना भी नहीं गा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और जंगकुक ने ऐसा क्या ही कर दिया कि उन्हें अपने नेबर से माफी मांगनी पड़ी। तो दोस्तों एक्चुअली जंगकुक ने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया। जब वो रिसेंट लाइव आए थे तो वो हर बार की तरह गाना गा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने आर्मीज को बताया कि वो जोर जोर से गाना नहीं गा सकते और उन्होंने अपने माइक की वॉल्यूम भी धीमे कर ली है। आर्मीज ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, जिसका आंसर देते हुए जंगकुक ने बताया कि एक्चुअली रात के 2-3 बजे वो जोर जोर से गाना नहीं गा सकते और इसकी वजह है उनके नेबर्स। तो दोस्तों जंगकुक ने बताया कि एक्चुअली जब वो पहले लाइव आते थे और बहुत जोर जोर से गाना गाते थे तो उनके नेबर्स को काफी इश्यूज थे, उन्हें वाइब्रेशंस फील होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जंगकुक से कंप्लेन करी थी और फिर जंगकुक ने उनसे माफी भी मांगी, जिसकी वजह से वो अब जोर जोर से नहीं गा सकते और उन्होंने अपने माइक की वॉल्यूम भी धीमे कर ली थी। इसको सुनने के बाद काफी सारे आर्मीज को ऐसा लगा कि यार कोई इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है, मतलब जॉन जंगकुक की आवाज को कोई कैसे बोल सकता है कि ना सुने या फिर ना गाए। कितनी लकी बात है कि आपको जंगकुक के घर के बगल में रहने को मिलता है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमें फील करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे बगल में रहने वाले लोग हमारे लिए कॉमनर हैं, उसी तरीके से जंगकुक के बगल में रहने वाले लोग भी पीसफुली रहना चाहते होंगे। और फिर जंगकुक कितने बड़े आर्टिस्ट हों, लेकिन रात को 2-3 बजे अगर कोई भी गाएगा तो किसी को भी इश्यूज हो सकते हैं। और वो जंगकुक के बगल में इतने टाइम से रह रहे हैं कि अब उन्हें काइंड ऑफ इस चीज की आदत हो गई होगी, तो उन्हें आर्मीज की तरह एक्साइटमेंट नहीं होता होगा, स्पेशली तब जब अगर वो BTS के फैन नहीं होंगे। और बहुत ही सारे कोरियंस खुद ही BTS के फैन नहीं है, तो हो सकता है कि वो सिंगिंग वगैरह के इतने बड़े फैन ना हो, जिसकी वजह से उन्हें इश्यूज हो रहे हों। और जंगकुक की ये काफी अच्छी बात है कि अगर उनके नेबर्स ने कंप्लेन करी है तो वो उसे मान रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी सारे आर्मीज का मानना था कि अगर वो जंगकुक के बगल में रहती तो ये बहुत ही अच्छा होता उनके लिए, दिन भर उनकी आवाज को सुनना, उनके गाने सुनना। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगर आप जंगकुक के नेबर होते तो आप क्या करते अगर जंगकुक रात को 2-3 बजे गाना गा रहे होते। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।